नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे क्लास टेंथ में धातु और अधातु में अयस्कों के सांद्रण की बात करते हुए उसमें अयस्क से उसके धातु के निष्कर्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम लोगों ने धातु प्राप्त किया है। अब प्राप्त धातु को शुद्ध कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के बाद उस धातु के शुद्धिकरण को रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं, यानी धातु का शुद्धिकरण रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इस प्रक्रिया की बात करेंगे। और इसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है, विधि आती है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी विद्युत अपघटनी शोधन। तो विद्युत अपघटनी शोधन करते हैं हम लोग धातु का, और इस प्रक्रिया से मुख्य रूप से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड जैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल में एनोड और कैथोड लेते हैं। एनोड के रूप में अशुद्ध धातु का मोटा रॉड या प्लेट होता है, जबकि कैथोड के रूप में शुद्ध धातु का मोटा रॉड या प्लेट होता है। और इसमें इन्हीं के उस धातु के ही किसी लवण का विलयन लिया जाता है माध्यम के रूप में। उस धातु के ही किसी लवण का विलयन लेते हैं। तो एनोड के रूप में अशुद्ध धातु का प्लेट और कैथोड के रूप में शुद्ध धातु का प्लेट लेते हैं। ये जो एनोड होता है वो मोटा प्लेट होता है और कैथोड का पतला प्लेट या रॉड लेते हैं। जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तब अशुद्ध धातु के एनोड से धातु विलयन में जाता है। विलयन में वही धातु अपने लवण के रूप में था जो कैथोड पर जमा होता है। तो इस प्रकार एनोड का जो रॉड या प्लेट है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, और कैथोड पर शुद्ध धातु के जमा होने के कारण उसका जो रॉड या प्लेट है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। अशुद्धियां जो एनोड पर थी वो इस प्रक्रिया में विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नीचे बैठ जाती है, जिसे एनोड मड कहते हैं। अशुद्धियां इस प्रक्रिया में एनोड से कैथोड पर नहीं जा पाती है और एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में बैठ जाती है। तो अगर तांबा के रिफाइनिंग की बात करें, तांबा के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें हम, तो इस प्रक्रिया में एनोड मड के रूप में गोल्ड, सिल्वर जैसे महंगे धातु प्राप्त होते हैं, जो धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया में एक औद्योगिक रूप से काफी कारगर होता है। तांबा का शुद्धिकरण करते हैं, साथ ही साथ एनोड मड में कुछ कीमती धातुएं भी होती है जो इस प्रक्रिया को सस्ता बना देती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को सस्ता बना देती है। और बात अगर तांबा की ही कर रहे हैं तो उसके अशुद्ध रॉड को लेंगे एनोड, तांबा के शुद्ध रॉड को लेंगे कैथोड, और तांबा का कोई लवण जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, सॉल्यूशन है, इसे लिया जा सकता है विलयन के रूप में, माध्यम के रूप में कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। तो विद्युत अपघटनी शोधन की प्रक्रिया में 99.9% से अधिक शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अतः धातुओं के शुद्धिकरण का यह सबसे प्रमुख तरीका है जिसमें 99.9% तक शुद्ध धातुओं की प्राप्ति होती है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को अगर एक आरेख से हम लोग देखना चाहें, एक सिंपल सा मैं आपके लिए आरेख बना रहा हूं, आप तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दिखाने के लिए। तो हम लोग एक मोटा रॉड लेते हैं और यहां एक पतला रॉड लेते हैं,
इसे एनोड कहेंगे, इसे आप कैथोड कहेंगे। तो एनोड पर यहां प्लस चार्ज, कैथोड पर माइनस चार्ज, इसको हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और जब माध्यम के रूप में इसमें हम लोग उसी धातु का कोई लवण लेते हैं, मान लीजिए यदि हम लोग कॉपर को शुद्धिकरण, कॉपर का शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, तो ये एनोड अशुद्ध कॉपर होगा, ये कैथोड शुद्ध कॉपर होगा, और इसमें विलयन के रूप में CuSO4 कॉपर सल्फेट होगा। ये भी कॉपर ही है, ये भी कॉपर है, लेकिन ये प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अशुद्ध कॉपर में से कॉपर इस विलयन में जाने लगेगा, विलयन में मौजूद कॉपर सल्फेट का कॉपर कैथोड पर जमा होने लगेगा। तो इस प्रकार एनोड धीरे धीरे पतला होने लगेगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, और कैथोड पर शुद्ध कॉपर धातु हम लोगों को प्राप्त होगी। तो धातुओं के शोधन की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, और धातुओं के शोधन की अन्य विधियों की भी हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।